बताया वो धोखाधड़ी के मामले में 5 लाख रुपए लिए हैं, क्या कुछ है पूरा मामला, आपने कल गिरफ्तार किया हुआ परिवादी या हमारे मामले थाने का निवासी है, उसने एक रिपोर्ट दर्ज करी कि पिछले 18 माह से तरुण प्रजापत नाम के व्यक्ति ने मेरे को एक रमजान जी का हत्या उसके एक प्लॉट पर बुलाया। वहाँ पहले से कोई लड़कियाँ थी, उन्होंने इसको कुछ पिलाया, उसके बाद इसके फ़ोटो खींच लिए थे। उसके 2-3 दिन बाद उसको ये फ़ोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे रुपये मांगने शुरू किए गए। 6 तारीख को चारों मुलजिम इसके घर पर आए, ज़बरदस्ती घर में घुसकर मोटरसाइकिल और सोने की अंगूठी छीन कर ले गए और 50,000 रुपये दो नहीं तो आपका वीडियो वायरल कर देंगे। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान अनुसंधान मुलजिम तरुण प्रजापत, रंजना शर्मा उर्फ नेहा, प्रेम सिंह व ललिता, इनको गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से मोटरसाइकिल और सोने की अंगूठी बरामद की जा रही है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि लड़का अगर रुपये नहीं लेता तो 1,000 रुपये अगले दिन 1,000 रुपये लेना, ये भी हाँ, ये पिछले 18 माह से हर सोमवार को 500 रुपये परिवादी के अनुसार 500 रुपये ये इनसे ज़बरदस्ती धमका कर वीडियो वायरल करने की धमकी तक लिए जा रहे थे। यदि उसी दिन 500 रुपये सोमवार को नहीं दिए तो अगले दिन फिर 1,000 रुपये लेते थे।